ग्वालियर के डबरा में बंद पड़ी शुगर मिल की जमीन पर कार्गो एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। सरकार ने अधिकारियों से जमीन और प्रस्तावित कार्गो एयरपोर्ट के लिए जानकारियां मांगी हैं, जो इस महीने सरकार के पास भेजी जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एडीएम को नोडल अधिकारी बनाकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेशित किया है। तैयार रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण दिल्ली से नजदीक शहरों में कार्गो एयरपोर्ट शुरू करने की प्लानिंग 2014 में केंद्र सरकार ने की थी, ताकि एयरलाइंस के भारी ट्रैफिक से बचकर कार्गो प्लेन को लंबा इंतजार ना करना पड़े। आप जानते हैं ना कि इसको लेके वृहद प्लान है, तो उसको लेके हमने इसकी जो नोडल अधिकारी हैं वो कन्याल को बनाया है। कन्याल और जयती सिंह मिलकर इसका पूरा प्रपोजल तैयार करेंगे और राजेश शशम को भेजेंगे। कितना लाभ मिल सकता है इससे? बहुत लाभ मिलेगा। आप पूरा कार्गो आप कई शहर तो केवल सिंगापुर जैसे शहर तो केवल ट्रांसपोर्टेशन भी जिंदा है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो ग्वालियर को एक और वो मिल जाएगा। और ग्वालियर के लोकेशनल एडवांटेज कितना अच्छा है, सेंट्रली लोकेटेड है, दिल्ली पास है।